ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में सजावट के लिए प्रयोग में किए गए प्लास्टिक के फूलों को प्रशासन ने हटाने के आदेश दिए हैं। जब मेला अधिकारी सुभाष गौतम ने गत रात मंदिर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो उन्होंने देखा कि मंदिर की सजावट में प्लास्टिक के फूल भी श्रद्धालुओं के द्वारा प्रयोग किए गए हैं। तो उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे प्लास्टिक के फूलों को मंदिर से हटाकर उनकी जगह भी ओरिजिनल फूल लगाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में सजावट के लिए प्रयोग में किए गए प्लास्टिक के फूलों को प्रशासन ने हटाने के आदेश दिए हैं। हालांकि मंदिर की सजावट का कार्य करनाल के श्रद्धालुओं के द्वारा बेखूबी के साथ किया गया, लेकिन इसमें सजावट में ओरिजिनल फूलों के साथ कुछ प्लास्टिक के फूल भी प्रयोग किए गए, जो कि दूर से देखने पर ओरिजिनल फूलों की तरह दिखाई दे रहे थे। जब मेला अधिकारी सुभाष गौतम ने गत रात मंदिर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो उन्होंने देखा कि मंदिर की सजावट में प्लास्टिक के फूल भी श्रद्धालुओं के द्वारा प्रयोग किए गए हैं। तो उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे प्लास्टिक के फूलों को मंदिर से हटाकर उनकी जगह भी ओरिजिनल फूल लगाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। ऐसे में मंदिर में प्लास्टिक के फूलों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हरियाणा की करनाल की समाज से भी संस्था ने प्लास्टिक फूलों को हटाना शुरू कर दिया और उनकी जगह अब ताजा ओरिजिनल फूल लगाएंगे। मेलों के दौरान जो है माता जी के मंदिर के श्रृंगार के लिए भक्त लोग फूल और बिजली जो है उससे संबंधित दान स्वरूप जो है उसका श्रृंगार करते हैं। भक्तों की तरफ से इस तरह की डिमांड्स आती हैं कि वो मंदिर में जो है फूलों से श्रृंगार करना चाहते हैं, लेकिन जैसे इन व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तो ये पाया गया कि वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स से जो है सजावट की गई थी। तो हमने संबंधित को जो है निर्देश दे दिए हैं कि जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं, फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, उनसे जो है माता जी के मुख्य मंदिर का जो है श्रृंगार किया जाए और आर्टिफिशियल फूल हटा दिए जाए। प्रशासन के इस कदम की सराहना श्रद्धालुओं ने भी की। श्रद्धालु बस्सी पठाना राजू पटियाला पप्पी का कहना है कि मंदिर की सजावट में असली फूल ही प्रयोग होने चाहिए ताकि प्लास्टिक का प्रयोग बंद हो सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जो फैसला लिया है वे बिल्कुल सही है और मंदिर की सजावट ताजा और असली फूलों से ही की जाएगी। तो आया नरेंद्र कुमार बेरी महामाई के दर्शन करने वास्ते, और देखा बहुत श्रद्धालु आए हुए ने, इस कारण जिन्हें भी उरे आर्टिफिशियल फूल लगाए सी मोदी सरकार का हुक्म से भी ये नहीं होने चाहिए, प्लास्टिक दे बैन लगा हुआ है। इस कारण जिन्हें भी महामाई नैना देवी के फुल लगाए ने वो सारे आर्टिफिशियल लगाए ने। इस कारण मैं चाहता है भी जेडे भी फुल है बिल्कुल जेन्युइन लगने चाहिए है।